अभी हम महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि बक्सर पर है, जहाँ की यहाँ श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु श्री रामचंद्र ने यहाँ पे अपना शिक्षा प्राप्त किया था। और यहाँ पे आप लोगों को आज धनतेरस का पर्व है, आज दिखाने का प्रयास करेंगे कि पूरा बाजार आप लोग देख सकते हैं कि आज धनतेरस के पर्व के दिन कितना जगमगा उठा है बक्सर, जो कि बाजार है मेन बक्सर बाजार, कितना जगमगा उठा है। और ये बक्सर का ठठेरी बाजार है और यहाँ पे आप लोग देख सकते है कि छोटी मस्जिद है बगल में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दुकानों का अंबार लगा है और बहुत सारी दुकानें जो कि दीपावली के लिए आप लोग पटाखा खरीद सकते हैं। और यहाँ पे धनतेरस के दिन माना जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था, और लोग अपने घर कोई ना कोई बर्तन खरीद के लेके जाते हैं, और इसी दिन झाड़ू खरीद के, जो कि कुच्चा बोला जाता है, झाड़ू खरीद के भी लोग अपने अपने घर पे ले जाते हैं। और बाकी सारा दुकान आप लोग देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए दुकान, देख सकते हैं कि ये सजावट का सामान है, ये बर्तन है, इधर भी देख सकते हैं दिवाली के दिन पटाखा छोड़ने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लोगों का भीड़ है। आप लोग जितना भीड़ उमड़ा है, भीड़ देख सकते हैं कि आज धनतेरस के दिन लोग अपने अपने घरों से निकल के बाजार करने के लिए आए हैं और बहुत सारी चीजें खरीद के ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने, क्या करने आए हैं सर बाजार में? अच्छा, तो आमतौर पर ये प्रचलन पहले से है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, ताकि लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है। तो उसी में जिसका जो स्तर है, महंगाई बढ़ गया है, चरम सीमा पर महंगाई है, तो जो जिसको संभव है वह खरीद बिक्री हो रहा है। हम लोग भी सोचे हैं कुछ लक्ष्मी जी का आज फोटो खरीद ले, झाड़ू खरीद ले। अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट के आए थे, तो दीप जलाया गया था और उनका स्वागत अयोध्या में किया गया था, और आज से ठीक एक दिन बाद दीपावली है, क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल, इसके साथ पांच त्योहार आता है। पहले दीपावली के दिन छोटी दीपावली होती है, फिर बड़ी दीपावली होती है, फिर भैया दूज होता है, गोवर्धन पूजा होता है। इसके साथ पांच त्योहार 14 वर्षों के बाद रहने पर, वनवास से जब राम जी प्रभु जब अयोध्या में लौटे हैं, तो अयोध्या वासियों ने अपने शहरों को सजाया, दीप प्रज्वलित करके और बहुत भव्य स्वागत किया। उसी की याद में हम सब मनाते हैं, खासकर बक्सर की बात है तो बक्सर तो एक आपको जानते ही हैं कि ऐतिहासिक युग से धार्मिक अनुष्ठानों का एक बहुत बड़ा सा यहाँ ये प्रभु और प्रभु श्री राम यहाँ पे शिक्षा प्राप्त भी किए थे। लेकिन सब कुछ तो है, लेकिन महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि सबका दर्द है महंगाई, और आज सब अपने घरों से बाजार करने के लिए निकले हैं, तो आज सबको पता है कि महंगाई कितना है और महंगाई सर पे चढ़ी है। तो सरकार से भी खास निवेदन है कि सरकार थोड़ा, जो भी सरकार आती है और अपने विपक्षी सरकार को यही बोलती है कि हम महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सही मायने में क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे दुकानदारों से बात करने के बाद, और यहाँ पे जितने भी सामान खरीदने के लिए लोग आए हैं उनसे बात करने के बाद मालूम चलेगा। बड़ा आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या बात है? मैम, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। काहे हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं? आज भीड़ कम है और उसमें आप आगे हैं। अच्छा, हम आ जाएंगे तो भीड़ ज्यादा थोड़े ना हो जाएगा सर? ऐसे रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, मैं बता दूं कि 2 दिन इस बार हो गया है ना धनतेरस, उसके चलते अभी भीड़ कम थी, लेकिन चूंकि ऐसा है कि 6 बजे के बाद अब धीरे धीरे लोग निकलने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल भी भीड़ रहेगी। ऐसे धनतेरस में ये यहाँ पे आप न्यूज कवर कर रहे हैं, ये पूरा जाम रहता है, पूरा जाम हो जाता है जी, आने जाने का पैदल रास्ता नहीं रहता है। आज भीड़ हर एक साल से कम है, और हमको लग रहा है कि यही 2 दिन के कारण, 2 दिन के कारण आज भी कुछ भीड़ होगा, फिर कल भी कुछ भीड़ होगा। शनिवार का दिन है कि आज भीड़ कम है, क्योंकि शनिवार को लोग लोहार पीतल ये सब नहीं खरीदारी करते हैं। आज के डेट में सोना और चांदी का सेल है। अच्छा, आज सब लोग मार्केटिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर निकले हैं। आपको क्या लगता है, आज किसी को नहीं लगता होगा कि महंगाई है कि नहीं है? महंगाई कहाँ है जी? महंगाई नहीं है, आप दुकानदार है क्या? ना, लग रहा है कि ये दुकानदार है इसीलिए बोल रहे हैं कि महंगाई कहाँ है जी। अच्छा, भीड़ कहाँ ना, एक मिनट, भीड़ कहाँ है? अभी यही सर अभी बोले भीड़ 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 हर साल बहुत ज्यादा। अच्छा, आप दुकानदार है कि खरीदार है? खरीदार। महंगाई है कि नहीं है? बिल्कुल महंगाई है। और ये बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है? या इनका भी सुन लीजिए पहले क्या है, उसके बाद क्या है। महंगाई नहीं, आपको क्यों लगता है महंगाई क्या है? नहीं, भीड़ उमड़ा हुआ।
हुआ है, महंगाई है, महंगाई है और महंगाई से लोग त्रस्त है। हालांकि ये दुकानदार है इसलिए बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, और ये खरीदार है तो ये भैया बता रहे हैं कि महंगाई है, और सही मायने में माना जाए तो महंगाई है। और बाकी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आगे आ जाइए, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे है, एक बार दुकानें को अच्छे से दिखा दीजिए। और बहुत सारे लोग है, और देख सकते हैं आपके बर्तन का दुकान, और इधर भी बर्तन का दुकान, और बहुत सारा बर्तन का दुकान है, और बहुत सारे लोग भी हैं और भीड़ भी है, क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है और कल भी धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, और उसके अगले दिन जो है दीपावली है। उसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए थे, और उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है हमारे देश में। और बाकी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक बार पूरा भीड़ दिखाने का काम करिए, और यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और कौन कौन आज धनतेरस के दिन मार्केटिंग करने गया है, नहीं गया है, और कौन दिवाली मना रहा है, कमेंट करके आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय श्री राम।